माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो के मारो का सारे जग में ठिकाना सारे गम के मारो का। हो रस्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रस्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। हो मस्त हवा काए की झोंका, मस्त हवा काए की झोंका। मस्त हवा काय की झोंका, मस्त हवा काय की झोंका, ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। वैष्णो दरबार जाते हैं, बिहार से लोग जाते हैं, बंगाल से जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, सभी वेशभूषा के लोग जाते हैं, अलग अलग भाषा के लोग जानते हैं। कोई बंगाली में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई गुजराती में, कोई बिहारी में, कोई भोजपुरी में, कोई हिंदी में, कोई मगही में। लेकिन जब माँ के पद की चढ़ाई शुरू होती है तो एक आवाज एक समान रहती है, उससे कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं होता, कोई बंगाली ट्रांसलेशन नहीं होता। वो आवाज क्या है? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, इसलिए जोर से बोलो। पीछे वालों ओ कहना बोलो, अब माइक में नहीं बोले तो सब जोर से बोलो। बोलो भैया भी बोलो, बोलो जी बोलो, ओए पीछे वालो, चाची जी बोलो, आंटी जी बोलो, और बचवा बोले फिर से बोलो। ये जय माता दी का जयकार वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया गया है कि जय माता दी और ओम का उच्चारण कुछ मंत्र है जिसके उच्चारण से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, संचार होता है। ये नाम में ही ऐसा है, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं। बोलो जय